अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द कोर्स। अब हम अपने तीसरे पार्ट पे आए हैं जिसमें हम कंटेंट को डिस्कस करेंगे कि जब आपने एक शॉप बना दी है तो उसके अंदर जो कंटेंट है वो कैसा होना चाहिए, वो कैसा लगना चाहिए। एंड कंटेंट की जब हम बात करते हैं तो एक ब्रांड के लिए, एक बिजनेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है एस्थेटिक। एस्थेटिक अगेन वो होती है स्टाइल कह लें, जो हम उसकी आर्टिस्टिक सेंस को कहते हैं एस्थेटिक, ठीक है, स्टाइल को कहते हैं एस्थेटिक। सो आपकी प्रोफाइल फर्स्ट लुक पे कैसी लगनी चाहिए, ठीक है, वो आपकी एस्थेटिक डिफाइन करती है। आपका जो एक कलर पैलेट है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। इस बात को हमने टच किया था अपने पिछले लेसन में भी कि प्रोफाइल बनाने से पहले हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमारा स्टाइल क्या होगा, हमारा मूड बोर्ड क्या है और हम किस तरह की फीलिंग के लिए जा रहे हैं, जिसमें मैंने एग्जांपल्स दी थी कि फन हो सकता है, फंकी हो सकता है, सोबर हो सकता है, जो भी फीलिंग आप लोगों को देना चाहते हैं, कॉमिक भी हो सकता है, राइट। और मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको दी थी, उसी को हम फर्दर लेके जाएंगे और उसको उसकी हम एस्थेटिक को आज डिस्कस करेंगे। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन में या एस्थेटिक में कलर्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही कलर लेके चलें या आपके लोगो में जो कलर है वो ही आप लेके चलें, नहीं, आपकी एक कलर पैलेट होती है, ठीक है, जो जब भी आप एक स्टाइल गाइड बनाते हैं तो उसमें वो आप डिसाइड करते हैं कि हमारे विजुअल्स में ये कलर्स होंगे और उन कलर्स को आप साथ लेकर चलते हैं कॉन्टेंट के अंदर। तो जो आप पिक्चर्स खींचते हैं या आप ग्राफिक्स बनाते हैं, जो भी आप करते हैं अपने कॉन्टेंट में, या आप कोशिश करते हैं कि आप वो कलर्स साथ लेकर चलें क्योंकि वो आपके ब्रांड की रिप्रेजेंटेशन है। कंसिस्टेंसी इन कलर्स का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपकी जो कलर पैलेट है उसके कलर्स हों, लेकिन उसका ये मतलब भी है कि अगर आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल की जो लुक है, जो जो फीड की जो लुक है वो या वॉर्म हो या कूल हो, राइट। वार्म कलर्स ज़रा ऑरेंज येलो साइड पे होते हैं, कूल कलर्स ज़रा ब्लू साइड के ऊपर होते हैं। वार्मर के अंदर येलो अंडरटोन होती है और कूलर कलर्स के अंदर एक ब्लू अंडरटोन होती है, ये वार्म और कूल का मतलब होता है। तो क्या आप एक वार्म फील लेना चाहते हैं या एक कूल फील देना चाहते हैं, ये भी आपकी एस्थेटिक के अंदर आता है। तो एस्थेटिक में एक चीज़ आ गई कलर। अच्छा, अब कलर इजंट द ओनली थिंग, एक ओवर आर्चिंग थीम होती है, वो अगेन वही है जिसकी मैंने पहले बात की थी, ओवर आर्चिंग थीम यानी मूड, ठीक है। एक हमने कलर की बात की, दूसरा मूड, बोल्ड, फंकी, फेमिनिन, वाइब्रेंट, एनर्जेटिक, ह्यूमरस, ये सारी आपके पास ऑप्शंस होती हैं। क्वर्की भी हो सकती है, डार्क भी हो सकती है। अगर आपका बहुत आर्टिस्टिक ब्रांड है तो यूजुअली आर्टिस्टिक चीज़ें जो हैं वो मूडी और डार्क, ठीक है। अब जब आप कलर्स और मूड जब डिफाइन करते हैं तब आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत ख्याल करना चाहिए कि आपकी ऑडियंस क्या है, ठीक है। अगर आपकी ऑडियंस हैं बच्चे, ठीक है, और बच्चों की चीज़ें, तो आपका मूड फन और वाइब्रेंट और एनर्जेटिक ही होगा, राइट। आपके कलर्स भी वैसे ही होंगे, तो कलर और मूड दोनों उस हिसाब से होंगे कि जो आपकी ऑडियंस है। फिर अगर आपका ब्रांड है टीनेजर्स के लिए, तो टीनेजर्स के लिए तो आपको एक ज़रा एजी सी, बोल्ड सी या फंकी सी वाइब लेनी पड़ेगी क्योंकि आप उनको टारगेट करें। तो जिन लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं उनकी क्या साइकोलॉजी है, उन्हें क्या पसंद आता है, आप वो इस्तेमाल करेंगे ताकि उनको पता चले कि ये हमारे लिए है, दिस इज़ फॉर मी। जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उनको आपके पेज पे आते ही ये फील होना चाहिए कि ये मेरे लिए ही है। आपकी इमेजेस की क्वालिटी हमेशा हाई होनी चाहिए। थोड़ी सी मतलब ये है कि इसमें एफर्ट और मेहनत लगेगी, लेकिन अगर आप एक ब्रांड हैं, आप एक प्रॉपर बिजनेस और एक शॉप हैं, तो आपकी इमेजेस की क्वालिटी लो नहीं हो सकती। आपको अच्छी क्वालिटी की इमेजेस डालनी पड़ेंगी। कोई भी अच्छा बिजनेस या ब्रांड बैड क्वालिटी और पुअर क्वालिटी इमेजेस नहीं यूज़ करता। हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम चबीज़ की एग्जांपल दी थी, मैं दोबारा दूंगी कि यहाँ पर इन्होंने अपनी मूड में ये क्रिएट किया हुआ है कि पिक्चर्स इन्होंने डाली हुई हैं लोगों की जिन्होंने शॉर्ट्स पहनी हुई हैं और वो कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और अगेन इनकी बड़ी रिलैक्स्ड वेकेशन वाइब है, राइट।
तो जो लोग रिलैक्स करना चाहते हैं नॉर्मली, और जब लोग रिलैक्स करते हैं तब वो शॉर्ट्स पहनते हैं। ऑडियंस को उन्होंने इमीडिएटली टारगेट कर लिया है कि ये आपके लिए है, जब आप रिलैक्स करना चाहते हैं तो ये आपके लिए, तो आप हमारे शॉर्ट्स खरीदेंगे तो आप रिलैक्स्ड फील करेंगे। और ये उन्होंने लोगों के दिमाग में डाल दिया और एक उस ऑडियंस के पास पहुंच गए जो रिलैक्स करना चाहती है। वो ये कहेगी कि अच्छा हाँ, मैं रिलैक्स करना चाहता हूँ तो मैं ये शॉर्ट्स खरीदूंगा। उन्होंने सारी पिक्चर्स में वही लोग डाले हैं जो इनकी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे लड़कों की, मर्दों की पिक्चर्स डाली हुई हैं जो बीच पे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। कुछ फादर्स होते हैं जब वो वेकेशन पे जाते हैं, तो उन्होंने एक इस तरह की पिक्चर डाली हुई है। ये बहुत इंटरेस्टिंग और फनी उन्होंने डाला हुआ है, लाइक माई न्यू जूम बैकग्राउंड, दिस इज़ क्यूट। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू कैन टारगेट योर ऑडियंस। फिर इसी तरह ऑनेस्ट कंपनी है, उन्होंने क्या किया हुआ है कि उन्होंने अपनी इसमें बेबीज़ डाले हुए हैं, क्योंकि उनकी टारगेट ऑडियंस बेबीज़ हैं। और बहुत अगेन फन है वाइब इन अ वे, क्योंकि बच्चे हंस रहे हैं, फैमिलीज हैं, मदर्स हैं, बहुत सारा प्यार है। ये इनकी इंस्टाग्राम के ऊपर आपको नज़र आता है। तो टारगेट ऑडियंस क्या है? माएँ हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस होती हैं। तो उन्होंने ये बड़ा क्लियरली डाला है कि जिन लोगों की ये फीलिंग्स और इमोशंस होती हैं उनके लिए ये ब्रांड है। तो आई होप आपको एस्थेटिक्स की समझ आ गई हो और एस्थेटिक्स का क्या मतलब है। अब हम नेक्स्ट लेसन में कंटेंट को ही आगे लेकर चलेंगे, लेकिन हम डिस्कस करेंगे कि कंटेंट की क्या टाइप्स होती हैं। तो नेक्स्ट लेसन में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।